इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से सामने आ रही है, जहां 32 यात्रियों को लेकर जा रही उत्तराखंड रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई। बताया गया है कि यह हादसा उस समय घटित हुआ जब बस गंगोत्री से उत्तरकाशी मुख्यालय की ओर जा रही थी। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बस के टायर सड़क से बाहर निकल गए थे। वो तो गनीमत रही कि हादसे का अंजाम बड़ा नहीं हुआ। बस में सवार यात्रियों को आपातकालीन द्वार के सहारे बाहर निकालकर दूसरी बस से गंतव्य की ओर रवाना किया गया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा बस चालक द्वारा गलत साइड में स्टीयरिंग काटने की वजह से हुआ है। हादसे के वक्त बस में करीब 32 यात्री सवार थे। एकाएक हुए इस भयावह हादसे से मौके पर चीख पुकार मच गई और बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक सी गई। बस से सकुशल बाहर निकलने के बाद ही उनकी जान में जान आई। फिलहाल बस को निकालने के लिए क्रेन बुलाई जा रही है। वहीं देखते ही देखते कुछ देर में सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।